नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की मुख्य खबरें। बैतूल, रानी दुर्गावती का सामाजिक बंधुओं द्वारा मनाया गया बलिदान दिवस, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। बैतूल में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर विधायक नीले डागा एवं अन्य जनप्रतिनिधियों और सामाजिक बंधुओं द्वारा 24 जून दिन गुरुवार को करीबन 11:30 बजे ऑडिटोरियम स्टेडियम के पास रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद भी किया गया। बैतूल, लंबित पड़े मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद द्वारा की गई मीटिंग, क्राइम मामलों को लेकर हुई समीक्षा। बैतूल पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के माध्यम से समस्त 18 थानों के थाना प्रभारी एवं SDOP के साथ साथ महिला सेल अधिकारी भी क्राइम मीटिंग्स में मौजूद रहे, जहां पर सिमाला प्रसाद ने कहा कि लंबित पड़े विभिन्न आपराधिक मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा खनन माफिया, अवैध रेत उत्खनन और माइनिंग एक्ट पर भी प्रभावशील कार्रवाई की जानी चाहिए। बैतूल, युवक की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने रिमांड के बाद आरोपियों का कराया मेडिकल, भेजा जेल। बैतूल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के भयावाड़ी जंगल का है, जहां पर कंपनी गार्डन निवासी अक्षय गोहे 26 तारीख से लापता था, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर 6 जून को उसका शव बरामद हुआ था, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके बाद दो युवक जो लापता थे उन्हें 21 जून को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया और कोतवाली थाना लाया गया था, जिसके बाद 22 तारीख को दोनों युवक से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड ली गई थी। रिमांड खत्म होने के बाद कल दोनों युवकों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर जेल भेज दिया गया है, जिन पर हत्या का मामला कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। बैतूल, नियम विरुद्ध रेत और गिट्टी का परिवहन कर रहे डंपर को माइनिंग विभाग ने किया जब्त, गंज थाने को किया सुपुर्द। मामला गुरुवार 24 जून का है, जहां पर माइनिंग विभाग द्वारा नियम विरुद्ध गिट्टी भरकर ले जा रहे दो डंपरों और एक डंपर जो ओवरलोड था परिवहन किया जा रहा था, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। माइनिंग विभाग द्वारा दोपहर 12 बजे के लगभग पकड़े गए इन दोनों डंपरों में से दो डंपर गिट्टी के हैं और एक डंपर रेत का है। बैतूल पुलिस कंट्रोल रूम चौक पर यातायात पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग का अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई। बैतूल जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम चौक पर देर शाम को यातायात पुलिस ने वहां से गुजरने वाले सभी टू व्हीलर चालकों को रोककर उनके दस्तावेज चेक किए, साथ ही जिन भी लोगों ने हेलमेट नहीं पहना और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था उन सभी लोगों को रोका और उन पर चालानी कार्रवाई करते हुए शुल्क वसूल किया। ट्रैफिक अधिकारी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उनके द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। मुल्ताई, पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा। नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण अंचल में महिलाओं ने गुरुवार को वट सावित्री के अवसर पर वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना की, साथ ही व्रत रखकर पूजा अनुष्ठान संपन्न किया। नगर के ताप्ती मंदिर में स्थित वट वृक्ष के साथ गजानन महाराज मंदिर परिसर में और बैतूल रोड पर साई मंदिर के पास सहित नगर के अन्य स्थानों पर लगे वट वृक्ष को महिलाओं ने कच्चे धागे का बंधन मानकर पति की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने बताया कि पारंपरिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है और वट सावित्री पर्व पर उपवास करने के साथ वट वृक्ष की पूजा कर अनुष्ठान किया जाता है। मुल्ताई, मासूद रोड पर मरी माता मंदिर के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा, बाल बाल बचा ट्रैक्टर चालक। मुल्ताई में गुरुवार को शाम 4:30 बजे के आसपास मासूद रोड मरी माता मंदिर के पास एक काली मिट्टी भरकर ले जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। इस दौरान ट्राली पलटने पर चालक द्वारा समझदारी दिखाते हुए ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर से कूद गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर बीच रोड में से चल रहा था, अचानक हॉर्न की आवाज सुनकर ट्रैक्टर चालक विचलित हुआ और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसा। फिलहाल ट्रैक्टर और उसके चालक द्वारा इस संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी की पुष्टि नहीं की गई है। मुल्ताई, ताप्ती जन्मोत्सव पर ताप्ती मंदिर सरोवर के तट पर साज सज्जा करने की रखी मांग। पुण्य सलीला सूर्यपुत्री माँ ताप्ती के जन्मोत्सव पर ताप्ती मंदिर और ताप्ती सरोवर के चारों ओर साज सज्जा और आकर्षक रोशनी की व्यवस्था करने की मांग माँ ताप्ती उद्गम समिति ने नगर पालिका से की है। इस संबंध में समिति के सभी सदस्यों द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM और नगर पालिका प्रशासक हरसिमरनप्रीत कौर को ज्ञापन सौंपा गया।
मुलताई कलयुगी पुत्र से परेशान होकर माँ बाप शिकायत लेकर पहुंचे मुलताई थाने। मुलताई नगर के अंबेडकर वार्ड निवासी महेश जोशी और उनकी पत्नी पुत्र द्वारा किए जा रहे लड़ाई झगड़े से परेशान होकर गुरुवार को इसकी शिकायत लेकर मुलताई थाने पहुंचे। फरियादी महेश जोशी ने बताया कि उनका पुत्र रोजाना शराब के नशे में देर रात घर पहुंचता है और नशे की हालत में लड़ाई झगड़ा करता है। बुधवार की देर रात करीबन 11 बजे भी उसके द्वारा लड़ाई झगड़े और मारपीट की गई। भैंसदई मुख्यमंत्री मदद योजना के अंतर्गत विधायक ने ग्रामीणों को वितरित किए निःशुल्क बर्तन। मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत गुरुवार के दिन सांसद डीडी उइके और क्षेत्रीय विधायक धर्म सिंह सिरसाम ने जनपद पंचायत भैंसदई में ग्रामीणों के लिए निःशुल्क बर्तन वितरित करने का कार्य किया। गौरतलब है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा निःशुल्क बर्तन वितरित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता साथ ही साथ अधिकारीगण भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। घोड़ोंगरी घोड़ोंगरी में आशा और आशा सहयोगियों ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। घोड़ोंगरी में गुरुवार को आशा और आशा सहयोगियों ने विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली, साथ ही घोड़ोंगरी के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगी कल्पना मोरे ने बताया कि आशा और आशा सहयोगियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल घोड़ोंगरी में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आमला पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों ने एक युवक के साथ की मारपीट, दी जान से मारने की धमकी। मामला आमला के बोरदई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलढाना गांव का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ 3 अन्य लोगों ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद गुरुवार को बोरदई थाना में पहुंचकर उक्त युवक ने शिकायत दर्ज करी। बैतूल कोतवाली थाने का मामला, शराब व्यवसायी द्वारा चिकलार निवासी व्यक्ति की फसलों को नुकसान पहुंचाने के मामले में पीड़ित ने की थाने में शिकायत। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिकलार गांव का है, जहां पर चिकलार निवासी एक व्यक्ति ने 23 जून की शाम 7:30 बजे अपने खेत में जो भी फसलें लगाई थी उसके संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में उक्त व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए बताया कि जो भी फसल उसके द्वारा अपने खेत में लगाई गई थी दूसरे अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर जानवरों को चरा देने का आरोप लगाया गया, साथ ही कार्रवाई की मांग की गई और फसलों को जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिलाने को लेकर कोतवाली थाने में आवेदन सौंपा गया। बैतूल नगरपालिका कर्मचारी ने पन्नी बिनने वाले युवक के साथ की जमकर मारपीट, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के गोठाना क्षेत्र के ट्रेंचिंग ग्राउंड का है, जहां पर पन्नी बिनने के लिए गए एक युवक के साथ नगरपालिका कर्मचारी द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल की शिकायत पर नगरपालिका कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। फरियादी शकील ने बताया कि वह ट्रेंचिंग ग्राउंड में देर शाम को पन्नी बिनने के लिए गया था, तभी नगरपालिका के कर्मचारी अंशुल ने उसे पन्नी बिनने के एवज में 500 रुपए की डिमांड की, लेकिन गरीब होने के कारण वह पैसे नहीं दे पाया। इसी बात से नाराज होकर अंशुल ने उसके साथ लाठी और डंडे से जमकर मारपीट की। बैतूल पेड़ से गिरी युवती की इलाज के दौरान हुई मौत, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। सिंघाड़ चावड़ी गांव का मामला, मामला बैतूल के सिंघार चावड़ी गांव का है, जहां पर शीला पंद्राम नाम की युवती जामुन खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी और अचानक गिर पड़ी, जिसके बाद 22 तारीख की देर रात को गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 22 तारीख से कल 24 तारीख तक इलाज चलता रहा, लेकिन कल शाम 4 बजे के आसपास जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। मौत होने के बाद जिला अस्पताल में पीएम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। आमला जमदेह खुर्द गांव में खेल के मैदान पर कब्जा करने को लेकर युवाओं ने किया विरोध, जताई नाराजगी। मामला आमला के जमदेह खुर्द गांव का है, जहां पर 2 लोगों द्वारा सरकारी खेल मैदान पर अतिक्रमण कर खेती करने का मामला सामने आया है, जिस पर गांव के युवाओं और अन्य ग्रामीणों ने विरोध दर्ज किया है। और ग्रामीणों ने बताया कि जमदेह खुर्द गांव के खेल के मैदान पर 2 युवकों द्वारा 10 दिन पहले से सरकारी खेल के मैदान पर कब्जा कर खेती की जा रही है, जिसको देखकर ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। चिचोली डोलिया ग्राम के सहरा मार्ग पर पैदल चल रहे ग्रामीण को बाइक सवार ने मारी टक्कर। मामला चिचोली के डोलिया ग्राम का है, जहां पर गुरुवार को 9:30 बजे के आसपास ग्राम निवासी शिवपाल खेत से पैदल डोलिया की ओर लौट रहे थे, तभी सहरा मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार मन्नू पिता सोनू कठिया ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए पैदल चल रहे शिवपाल को टक्कर मार दी।
हादसे में फरियादी शिवपाल को पैरों में चोट आई है। आठनेर नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मनमाने बिजली बिल से परेशान हुए संचालक, अधिकारी ने कहा मीटर की खपत की जाएगी जांच। आठनेर नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लॉकडाउन अवधि के दौरान भी 5000 से अधिक के बिजली के बिल आए हैं, जिसके बाद दुकान संचालक परेशान है। इस मामले में गुरुवार को आठनेर नगर के दुकान संचालक ने बिजली बिल का प्रमाण दिखाते हुए कहा कि 2 महीने पूर्ण रूप से दुकान बंद होने के बाद भी 5000 से अधिक बिजली का बिल आया, जिसके बाद इसे भरने को लेकर उनके पास पर्याप्त राशि नहीं है। उधर इस मामले की पुष्टि करते हुए बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि संबंधित दुकान के मीटर खपत की जांच की जाएगी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आसपास की हो रही घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हमें हमारे WhatsApp नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा पहुंचाएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।